हेलो एवरीवन, टुडे वी लर्न राउंड ऑफ बाय यूजिंग जनरल रूल. दिस टॉपिक इज फॉर क्लास सिक्स एंड इन दिस टॉपिक वी लर्न राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस एंड राउंड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड. सो फर्स्ट वी टेक राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेन. हम इसके अंदर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेन समझेंगे कि एक चीज होती क्या है. ठीक है, राउंड ऑफ का मतलब होता है कि उसके आसपास का जो भी हमें नंबर मिला है उसके आसपास का नंबर हमें निकालना होता है. तो हम उसको कैसे निकालेंगे, पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, 798 एंड 412. इसके अंदर हम सबसे पहले 412 को देखें तो इसके वंस टेंस हंड्रेड तीन प्लेसेस हैं जिसके अंदर हमें नियरेस्ट टेन निकालना है. इसका हमें नियरेस्ट टेन नंबर निकालना है. ठीक है, जो इसके नियरेस्ट टेंस में हो. तो हंड्रेड प्लेस पर हमारा फोर है, टेंथ प्लेस पर हमारा वन है और वंस प्लेस पर हमारा टू है. तो हमें क्या करना है, हमें टेंस निकालना है, हमें नियरेस्ट टेन निकालना है, हमें एस्टिमेट यानी कि लगभग इसके बराबर का नंबर निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका हमें टेंस निकालना है. तो टेंस वंस टेंस, टेंस के लेफ्ट साइड वाला सॉरी राइट साइड वाला जो नंबर है वो फाइव से छोटा है कि बड़ा है, हमें फाइव लेना है. फाइव एक जो कॉमन नंबर है जिससे हमें कंपैरिजन करना है, जिसका भी हम नियरेस्ट निकाल रहे हैं उसका हमें कंपैरिजन करना है. जिसका भी जैसे मान लीजिए हमने हंड्रेड का टेंस हंड्रेड का नियरेस्ट निकालना है तो जब भी हमें फाइव से कंपेयर करना है कि उसके जो राइट वाला नंबर है उसके वो फाइव से बड़ा या छोटा देखना है हमें. ठीक है, अगर नंबर फाइव से छोटा है तो क्या करना होगा, हमें हमें उसकी वंस और टेंस प्लेस को जीरो कर देना होगा. उसकी हमारी वंस और टेंस प्लेस को जीरो कर देना होगा. अगर यहां पर सिर्फ 12 होता तो हम इसकी वंस प्लेस को जीरो करते, ओके, और यहां 10 आ जाता. लेकिन यहां पर वंस टेंस हंड्रेड है तो हम इसकी वंस और टेंस को जीरो कर देंगे और 400 ऐसी का ऐसी आएगा जैसा कि ये दिखा रखा है. हमें क्या लेना है, हमें फाइव लेना है. फाइव जो है वो एस्टिमेट नंबर लेना है. ठीक है, तो हमें दोनों तरफ जीरो इसके वंस और टेंस पे जीरो लगा देंगे तो इसके जो बराबर का नंबर आएगा वो 400 आएगा. अब 798 में देखते हैं, यहां पर वंस प्लेस पर 8 है, नाइन्थ प्लेस पर 10 है, 100 प्लेस पर 7 है. तो हमें इसके अब देख हमने क्या लेना था, 5 जो है हमारा वो एस्टिमेट नंबर है यानी कि उसके उससे कंपैरिजन करेंगे जिसका भी हम नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं उसके राइट वाला नंबर देखेंगे. हम नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं वंस टेंस तो इसके राइट वाला नंबर 8 है जो 5 से बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, हम वंस और टेंस को जो वंस और टेंस को है उन्हें जीरो कर देंगे और एक प्लस कर देंगे 7 में जैसा कि और इसका एस्टिमेट नंबर आ जाएगा 800. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो क्लास हमने अभी पढ़ा कि हम किस तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3. ओके, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. जैसा कि हमने बताया कि हम जनरल रूल की मदद से इसको राउंड ऑफ करेंगे. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 730 प्लस 998. 730 राउंड ऑफ टू, जब 730 का हम राउंड ऑफ निकालेंगे तो 700 आएगा. कैसे आएगा, जीरो वंस टेंस हंड्रेड. यहाँ पर इन्होंने किसका निकाला है, यहाँ पर इन्होंने वंस टेंस टेंस का निकाला है. वंस यहाँ पर जीरो है, टेंस यानी कि फाइव से छोटा है. यहाँ पर टेंस का राउंड ऑफ निकाला है इन्होंने तो नियरेस्ट टेन निकाला है. तो वंस टेंस, वंस यहाँ पर जीरो है, टेंस जो टेंस थ्री है तो टेंस के इधर वाला नंबर जीरो है, जीरो यानी कि फाइव से छोटा है. तो हम ये और थ्री और जीरो को कर देंगे जीरो और सेवन का सेवन ऐसे ही आ जाएगा. 998 का राउंड ऑफ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 998 का राउंड ऑफ
भाई वंस टेंस, टेंस टेंस के बराबर वाला वंस जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर ऐड कर देंगे 998 के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों 9 और 8 जीरो हो जाएंगे और 9 + 1 = 10, तो ये इसके बराबर का जो नंबर होगा, इसके आसपास का नंबर होगा वो 1000 होगा। अब हमें इसका सम निकालना है क्योंकि यहाँ पर सम का साइन दे रखा है, तो सम निकालेंगे तो 1700 होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर वंस टेंस 100, यहाँ पर वंस टेंस 100, यानी कि यहाँ पर किसका निकाला है, इन्होंने 100 का निकाला है, वंस टेंस 100। वंस यहाँ पर 6 है, 9 यहाँ पर हमारा टेंस है और 7 हमारा 100 है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, ये जो 9 है ये आ रहा है हमारा 5 से बड़ा, वंस टेंस, टेंस पर जो 9 आ रहा है 5 से बड़ा है, जब 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे 7 में और 9 और 6 को बना देंगे 0, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 0 बना रखा है। 8 हमारा हो गया 7 हमारा हो गया 8, तो इसके आसपास का ये नंबर है। इसी तरीके से 314 राउंड ऑफ, 314 का राउंड ऑफ करेंगे तो 300 आ जाएगा, क्योंकि 5 जो है, जो 1 जो है यहाँ पर 1 वो छोटा है 5 से, तो अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो 500 आएगा। अब ये देख लीजिए सी वाला क्वेश्चन वंस टेंस 100 1000 10000, तो यहाँ पर 10000 तक का नंबर है ये, ठीक है, तो हमें 1000 तक का राउंड ऑफ करना होगा इसे, वंस टेंस 100 1000 10000, 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, 1000 के बराबर वाला जो नंबर है वो 9 है, वंस टेंस 100 जो 100 प्लेस पर आ रहा है, 100 प्लेस पर आ रहा है, तो हम जो 9 है वो 5 से बड़ा है, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, किस में, 2 में, 2 + 1 = 3 हो जाएगा और ये तीनों 0 बन जाएंगे, तो 13000, इसके बराबर का नंबर जो है वो 13000 है। इसी तरीके से 2888 को करेंगे, यहाँ पर वंस टेंस 100 1000, 1000 के बराबर वाला नंबर क्या है, वो भी 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर ये 2 बन जाएगा 3 और ये तीनों बन जाएंगे 0, तो 16000 दोनों को प्लस करके आंसर आएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें माइनस करना है, और इसमें भी हमें माइनस करना था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का हमें नियरेस्ट 100 निकालना है पहले, फिर नियरेस्ट टेंस निकालना है। फोर हंड्रेड थर्टी नाइन का रफ वो करना है हमें, राउंड ऑफ निकालना है 439 का, तो वंस टेंस, टेंस प्लेस पर जो 100 का निकालेंगे, 100 का राउंड ऑफ नियरेस्ट निकालना है, क्योंकि ये तीन ही नंबर है, वंस टेंस 100 क्यों निकाल रहे हैं हमें 100 का, कैसे पता लग रहा है कि हम 100 का ही निकाल रहे हैं, कि क्योंकि ये जो नंबर है ये तीन ही नंबर है, वंस टेंस 100 जो 100 पर ख़त्म हो जाते हैं, वंस टेंस 100, तो 100 के बराबर वाला नंबर जो है वो 3 है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये 4 का 4 ऐसे ही आ जाएगा और ये दोनों 0 बन जाएंगे। इसी तरीके 334 का निकालेंगे जो 300 बन जाएगा, इसी तरीके से 437 का निकालेंगे जो 4300 बन जाएगा, तो तीनों को प्लस करेंगे तो 5000 आएगा। अब हमें यहाँ 10000 1 लाख वंस टेंस 100 1000 10000 लाख 1,08,734 का राउंड ऑफ निकालना है, तो वंस टेंस 100, इसमें हमें 100 तक का क्या रखा है, तो हम 100 तक का ही निकालेंगे इसमें, तो कैसे निकाला है इन्होंने 1 लाख का नियरेस्ट 100, वंस टेंस 100 1000 10000 लाख, ये लाख तक है, हमें सिर्फ और सिर्फ 100 तक नियरेस्ट निकालना है, तो वंस टेंस 100, 100 को देखेंगे 100 प्लेस पर 7 आ रहा है और 7 के बराबर वाला जो नंबर है वो 3 है, 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो 700 का 700 यहाँ पर ऐसे का ऐसे आएगा और ये दोनों 0 बन जाएंगे, ये दोनों 0 बन जाएंगे। इसी तरीके से 47,599 का निकलेगा, क्योंकि ये 5 है, इसका भी नियरेस्ट निकालना है, क्योंकि ये 5 है, 5 जो है 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अगर हमें, अगर फिर इसके अंदर एक प्लस हो जाता है
जो ये फाइव से बड़ा है, फाइव के बराबर वाला जो नंबर है वो फाइव से बड़ा है या नहीं? नाइन है, नाइन जो है वो फाइव से बड़ा है, तो एक प्लस हो जाएगा इसी फाइव के अंदर, सिक्स, 47,600 हो जाएगा ये। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन करने, ये आपको खुद करने हैं। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, और इसको हमें जनरल रूल की मदद से ही इसका प्रोडक्ट निकालना है। 478 इंटू 161, इसको राउंड ऑफ करेंगे 478 को तो 600 आएगा, फिर 161 को राउंड ऑफ करेंगे 200 आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 120,000 आएगा। राउंड ऑफ कैसे करा ये देख लीजिए, राउंड ऑफ जैसा कि मैंने बताया था, वंस टेंस 100, 100 जो 100 के बराबर वाला नंबर जो है वो है 7, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो ये यहाँ पर आगे 6 हमारा 5 की जगह 6 आ जाएगा और ये दोनों नंबर 0 बन जाएंगे। हमें हर बार यही करना है, अगर हमारा जिसका भी हम निकाल रहे हैं, जिस भी प्लेस वैल्यू का हम नियरेस्ट निकाल रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए मेरी बात को बड़े ध्यान से, जिस भी प्लेस वैल्यू का हम लोग नियरेस्ट निकाल रहे हैं उसके बराबर वाला जो नंबर है वो फाइव से बड़ा या छोटा होना चाहिए, जिस भी प्लेस वैल्यू का, चाहे वो वंस हो, चाहे टेंस हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो। तो वंस टेंस 100, तो वंस टेंस 100, वंस टेंस 100, यहां पर ये 100 है, इसके बराबर वाला नंबर 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो यहाँ ये 1 जो है ये 2 बन जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आएगा। इसी तरीके से चारों हैं, आपको ये अपने आप करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नहीं।